हे गेमर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप समझते होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको ऑफिशियल लिस्ट दिखाने वाला हूं साइकिल वन सीजन वन की। तो वीडियो को पूरा देखना एंड अगर वीडियो पसंद हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना आगे की अमेजिंग वीडियोज के लिए। थैंक यू सो मच। एवरी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सीजन वन का लोगो। जैसे ही आप लोग रॉयल पास को ओपन करेंगे वहाँ पे लिखा आएगा C1S1 साइकिल वन सीजन वन, और जैसे ही 6 महीने बाद फिर से आपके में यहाँ पे लिखा आएगा C2S1 मतलब कि साइकिल 2 सीजन वन, ऐसा आपके में लिखा आएगा। पहले सीजन 14-15 होता था बट अब यहाँ पे साइकिल वन सीजन वन होगा। सो गाइस, आई होप आपको ये लोगो पसंद आया होगा। इसके बाद मैं आपको सेकेंड लिंक दिखा देता हूँ। सो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने जो लोगो हैं वो चेंज हो चुके हैं, टाइटल्स चेंज हो चुके हैं, टैग चेंज हो चुके हैं, एस का लोगो यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, कॉन्करर, इन सभी लोगों को चेंज कर दिया गया है और 2 चीज़ें और ऐड की गई हैं, तो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। सो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सारे लोगो चेंज हो चुके हैं और 2 चीज़ें और ऐड की गई हैं जिसका नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एस मास्टर, एस डोमिनेटर। पहले क्या होता था कि आपको वहाँ पे स्टार लगाने को मिलते थे, आप लोग स्टार खूब सारे करते थे, 11 स्टार, 12 स्टार, बट अब यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे एस मास्टर और एस डोमिनेटर कर दिया गया है। और ये कितने पॉइंट्स में मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो अपना कॉन्करर वाला था वो उतने में ही रहेगा। आप लोग जैसे ही 500 के अंदर पहुँचेंगे टॉप रैंकिंग में, आपको कॉन्करर मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको एस डोमिनेटर और एस मास्टर के यहाँ पे पॉइंट्स बता देता हूँ। सो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो एस है वो आपका 4200 पॉइंट में ही रहेगा पहले की तरह, जैसे कि आप लोग पहले 4200 पॉइंट करते ही एस पे पहुंच जाते थे। एंड यहाँ पे एस मास्टर आपको पहुंचने के लिए आपके पास 4700 पॉइंट होने चाहिए, यहाँ पे उसके पॉइंट्स ज़्यादा हैं। एंड एस डोमिनेटर पे पहुंचने के लिए आपके पास 5200 पॉइंट होने चाहिए। तो स्टार वाला सिस्टम हटा के यहाँ पे एस डोमिनेटर तक कर दिया गया। एंड कॉन्करर वाला सेम है कि जैसे ही आप लोग अपना पहुँचोगे एस के बाद टॉप 500 में, आपको सुबह सुबह कॉन्करर फ्रेम मिल जाएगा एंड कॉन्करर पर पहुँच जाओगे। सो गाइस, आई होप आपको ये लीक्स अच्छी लगी होंगी। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपना फ्रेम कॉन्करर का। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक चैलेंज सिस्टम मिलेगा, एक न्यू सिस्टम ऐड होगा चैलेंज सिस्टम करके, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि चैलेंज पॉइंट लिखा हुआ है। अब ये कौन से पॉइंट है अभी तक नहीं मालूम है आपको, कौन सा चैलेंज दिया जाएगा या फिर क्या है ये, अभी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस जैसे ही पता चलेगा मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि इसमें क्या आपको करना होगा, कौन से चैलेंज आपको करने होंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे की वीडियोज के लिए। तो मैं आपको और लिंक्स दिखा देता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि वहाँ पे साइकिल वन सीजन वन लिखा हुआ था, तो ये जो अपनी ये साइकिल है ये 6 मंथ की होने वाली है। उसके बाद वहाँ पे लिख जाएगा साइकिल 2, उसके बाद फिर आगे बढ़ता रहेगा, 6 मंथ में बढ़ती जाएगी अपनी साइकिल। एंड ये जो एक साइकिल होगी ये 6 मंथ की होगी और इस 6 मंथ के अंदर आपको 3 सीजन देखने को मिलेंगे। 3 सीजन के अंदर आपको 6 रॉयल पास देखने को मिलेंगे, मतलब कि पहले क्या होता था कि अपने 1 सीजन में 2 महीने का होता था, उसके अंदर आपको 1 रॉयल पास देखने को मिलता 600 UC का। बट अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि अपने 1 सीजन में 2 रॉयल पास रहेंगे और उन 2 रॉयल पास को आप लोग परचेस कर सकते हो, बट एक एक करके कर सकते हो, मतलब कि 300 यूसी में आप लोग 1 रॉयल पास ले सकते हो 1 महीने का। उसके बाद सेकंड मंथ जैसे ही आप लोग फिर से 300 यूसी लगा के सेकंड रॉयल पास ले सकते हो। अब आपके 1 सीजन में 2 रॉयल पास रहेंगे एंड आपका जो 1 सीजन रहेगा वो आपका 2 महीने का ही रहेगा, ठीक है। आपका जो सीजन है वो 2 मंथ का ही होगा बट आपका जो रॉयल पास रहेंगे वो 2 हो जाएंगे। सो गाइस, आई होप आप लोग समझ गए होंगे अपनी जो साइकिल है वो 6 मंथ की रहेगी। एंड जो मैंने आपको क्रेट्स आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये तीनों क्रेट्स आपके जैसे ही आपके ये साइकिल वन कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आपके तीनों सीजन एंड हो जाएंगे आपको तीनों क्रेट्स मिल जाएंगी। मतलब कि सीजन वन जब खत्म होगा तो आपको 1 क्रेट मिलेगी, सीजन 2 जब खत्म होगा 2nd क्रेट मिलेगी और सीजन 3 जैसे ही एंड होगा आपको 3rd क्रेट मिल जाएगी एंड आपको बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड्स मिलने वाले। सो गाइस, आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो गाइस, आपको साइकिल वन सीजन वन कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना, आपको इसमें से सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी ये भी बताना और सबसे बेकार चीज़ कौन सी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो आगे की अमेजिंग वीडियोज के लिए। थैंक यू सो मच। और हाँ गाइस, इसके ऊपर पूरी तरह से डिटेल वीडियो भी आएगी जैसे इसकी और लीक्स निकल के आती है। अभी तो सिर्फ कुछ चीज़ें पता चली हैं बट जैसे ही और चीज़ें पता चलती हैं अपने जो भी और भी लीक्स हैं या फिर रॉयल पास की लीक्स हैं, जो भी सीजन वन की रॉयल पास की लीक्स हैं, ये भी आपको दिखाऊंगा जल्दी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना आगे के अमेजिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।